ट इज़ लैक सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि लैक एक्चुअली है क्या लैक इज एक्चुअली इज द रिजनस सब्सटांस दैट इज सक्रीट बाय इंसेक्ट्स ये एक ऐसी सेक्रीशन है जो कि इंसेक्ट्स सिक्रीट करते हैं दिस इज द रिजनस सब्सटांस दैट इज सक्रीट बाय इंसेक्ट्स दिस इज एनिमल ओरिजन बेस्ड ये ऐसी सिक्रीशन है जो कि इंसेक्ट्स इसको सक्रीट करता है And lag production for lag production is not the simple uh, process, it is very complicated and involves many things. There are different steps that we have to keep in mind in the commercial production of lag, such as the selection of the site, site for lag production, and then pruning, inoculation, swarming, and harvesting of lag. वी विल डिस्कस इन द डिटेल प्रोनिंग प्रोनिंग में आप जो है वो साइट uh, सिलेक्शन के बाद जो है आपके जो प्लांट्स हैं वहाँ पे लैक इंसेक्ट्स का आपने अटैक करवाना है और ये इंसेक्ट्स जो है वो लैक सिक्रीशन को सिक्रीट करेंगे तो आपने जो है वो लैक इंसेक्ट्स का अटैक जिस प्लांट से करवाना है सो यू हैव टू कंफर्म देल्थ ऑफ द प्लांट कि आपका प्लांट जो है वो क्या इतना हेल्दी है कि वहाँ पे लैक इंसेक्ट सरवाइव कर सकता है हाउ मच इन्फेस्टेशन इट कैन बियर कि आपका प्लांट जो है उस पर कितनी तादाद में अगर लैक इंसेक्ट छोड़ा जाए तो वो इस इन्फेस्टेशन को बियर कर सकता है प्लांट कोलेब्स नहीं करेगा प्लांट की हेल्थ कैसी है एंड प्लांट शुड बी प्रून्ड प्लांट की जो है लैक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन से पहले प्लांट की कटाई की जाती है ताकि इंसेक्ट जो है वो फ्रेश ब्रांचेस पे बाद में सरवाइव कर सके इन्फेस्टेशन uh, से पहले लैक इंसेक्ट्स को उस प्लांट पे छोड़ने से पहले इन्फेस्टेशन से पहले उस प्लांट की आलमोस्ट सिक्स टू ट्वेल्व मंथ पहले जो है वो प्रूनिंग की जाती है कटिंग की जाती है वी विल डिस्कस इन डिटेल इन नेक्स्ट स्लाइड्स एंड देन इज़ द इनाकुलेशन इनाकुलेशन वी विल जस्ट इन्फेस्ट द प्लांट विद दैट इंसेक्ट

हेल्थ ऐसी है कि वो सर लैक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन को बियर कर सकता है डिफरेंट प्लांट कैटेगरीज हैं जिन पे लैक इंसेक्ट सर्वाइव करता है एंड यील्ड एंड क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ द लैक डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी ऑन द टाइप ऑन द स्पीशी ऑफ द प्लांट्स एंड हेल्थ ऑफ द प्लांट आपको प्लांट से कितनी यील्ड और कितनी अच्छी क्वालिटी का लैक मिलेगा ये डिपेंड करता है कि आपके प्लांट की हेल्थ कैसी है प्लांट का जो है वो कितना जो है वो प्रेशर भीयर कर सकता है लैक इंसेक्ट इन्फेस्टेशन का तो डिफरेंट प्लांट्स जो यूज़ करते हैं इसके लिए वो है पीपल प्लास और कुसम है और कुसम के नाम से ही जो है कुसमी लैक जो है वो भी फेमस है कुसमी लैक एंड नॉन कुसमी लैक फॉर द कल्टिवेशन ऑफ लैक यू विल सेलेक्ट द होस्ट फ्रॉम द सिलेक्शन साइट आपका होस्ट प्लांट जो है उस पे लैक इंसेक्ट जो है वो सर्वाइव करेगा जब आप इन्फेस्टेशन करेंगे प्लांट शुड बी क्विकली ग्रोइंग ऑन लो डेंसिटी लो सैप डेंसिटी प्लांट जो है उसकी ग्रोथ स्पीडली होनी चाहिए और सैप डेंसिटी उसकी लो होनी चाहिए ज़्यादा सैप जो है वो डेंस नहीं होना चाहिए प्लांट जो है वो ईजीली ग्रो करे क्विकली ग्रो करे ताकि जो है वो उसकी सॉफ्ट ट्विग्स पे सॉफ्ट ब्रांचेस पे जो है लैक इंसेक्ट सर्वाइव कर सके एंड प्लान्टुड विद स्टैंड विद हैवी इन्फेस्टेशन ऑफ लैक इंसेक्ट कुसम प्लांट्स से जो लैक प्रोड्यूस किया जाता है वो हाईएस्ट प्राइस का है मार्केट में प्रोनिंग फॉर प्रोनिंग वी हैव टू डिस्कस डिफरेंट क्वालिटीज अबाउट द प्रोनिंग के आपने जो दरख्तों की कटाई करनी है उसके लिए आपने किन पैरामीटर को फोकस करना है कौन से पॉइंट हैं जिनको आपने इम्पोर्टेंस देनी है कि प्रूनिंग किस स्टेज पे हो प्रूनिंग जो है वो आलमोस्ट इन्फेस्टेशन से सिक्स टू ट्वेल्व मंथ्स बिफोर की जाती है कि अगर प्रूनिंग जो है आपने जनवरी फरवरी में की है तो इनाकुलेशन जो है वो जून जुलाई में होगी प्रूनिंग के आलमोस्ट सिक्स मंथ के बाद जो है वो आप वहाँ पे इंसेक्ट को छोड़ सकते हैं प्रूनिंग कटाई के बाद सॉफ्ट ब्रांचेज सॉफ्ट ट्विग्स पे वो सर्वाइव करेगा लैक इंसेक्ट क्योंकि हार्ड ब्रांचिज पे और बार्क पे जो है वो इंसेक्ट सैप सक नहीं कर सकेगा जब इंसेक्ट सैप सक नहीं कर सकेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकेगा फॉर सैप सकिंग लैक इंसेक्ट नीड सॉफ़्ट ब्रांचिज सॉफ्ट ट्विग्स तो प्रूनिंग जो है वो आलमोस्ट सिक्स मंथ बिफोर की जाती है एक्सेसिव प्रोनिंग नहीं की करनी चाहिए और उसके अलावा जनरल हेल्थ और स्ट्रेंथ ये नहीं है कि प्रोनिंग में जो है आप ओवरऑल दरख्त की कटाई कर दें और उसके बाद जो है वो इतना ज़्यादा ग्रो ही ना कर सके कि इन्फेस्टेशन को बियर कर सके और उसकी हेल्थ और स्ट्रेंथ जो है वो स्टेबल ना रह सके ओल्ड ब्रांचेस को ही सिर्फ कट करना है और ब्रांचेस जो है वो टू इंच से डायमीटर जिनका ज़्यादा हो उन्हें आपने कट नहीं करना और इसके अलावा जो है कटाई इस तरह से करनी है कि प्लेंटी ऑफ रूम अवेलेबल हो कि प्लांट इस तरह से प्रूनिंग के बाद ग्रो करे कि इंफेस्टेशन के लिए लैक इंसेक्ट को जब आप इन्फेस्ट करें इनाकुलेट करें उस दरख्त पर लैक इंसेक्ट को छोड़ें तो उन्हें प्लेंटी ऑफ ब्रांच जो है वो मिल सके आपने उसको एक प्रॉपर वे में उसकी प्रूनिंग करनी है उसके अलावा जो है डेड और डिजीज ब्रांचेस को रिमूव कर दें और इसके अलावा सेपरेट और जो ब्रेक हैं वहाँ पे भी बिल्कुल जहाँ पे ब्रांचेस ब्रेक हो रही हैं वहाँ से उसे कट कर दें ताकि जो है और इसके अलावा प्रूनिंग जो है वो इनडिसक्रीमिनेट नहीं होनी चाहिए इट शुड बी इट शुड नॉट बी रैंडमली इट शुड बी इन प्रॉपर मैनर आफ्टर प्रूनिंग

ंग वन्ज एमर फ्राम द एग् एंड दे ऑटोमेटिकली दे नेली स्प्रेड टू द हो ब्रांचिज ऑफ द होस्ट प्लान के जो है एग्स से यंग वंस हेज होंगे तो वो क्या करेंगे कि वो लार्वी जो हैं वो ऑटोमेटिकली सेम होस्ट प्लान्ट जो है वो अटैक करेंगे उसका सेप सकिंग स्टार्ट कर देंगे तो दिस इज द नेचुरल इनाकुलेशन के नेचुरली एक्स भी वहीं पे थे वहीं पे लार्वी हैच हुए हैं और उन्हीं लार्वी ने सेम उसी होस्ट प्लांट पे जो है सैप सकिंग स्टार्ट कर दी है दिस इज़ स्प्रेड ऑफ लैक इंसेक्ट नेचुरली दिस इज नेचुरल इनाकुलेशन नेचुरल इन्फेस्टेशन कि नेचुरली जो है लैक इंसेक्ट कैसे होस्ट प्लांट पे स्प्रेड किया है सेम होस्ट प्लांट पे एन अदर वे इज़ द आर्टिफिशियल इनाकुलेशन इन आर्टिफिशियल इनाकुलेशन वो कट द स्मॉल इन्फेस्टेड स्मॉल ब्रांचिज ऑफ द ट्री दैट आर ऑलरेडी इन्फेस्टेड आप ऐसी ब्रांचेस को कट करेंगे जिन पे ऑलरेडी जो है लैक इंसेक्ट का अटैक हो चुका है ऑलरेडी इन्फेस्टेशन है ऑलरेडी वहाँ पे लैक इंसेक्ट प्रेजेंट है तो उन ब्रांचेस को उन ट्विग्स को आप जो है बाद में किसी और होस्ट प्लांट के साथ हेल्दी होस्ट दैट इज रेडी फॉर द Uh, for the bearing of uh, lack insect uh, inoculation aisa host plant jo ye pressure bear kar sakta ho to wahan pe aap in twigs ko healthy twigs ke sath jo hai healthy twigs mean jahan pe already lack insect nahi hai to aap ek new host plant ke sath in twigs ko attach कर देते हैं tie कर देते हैं और यहाँ पे क्या है कि old branches से जो है उन small ट्विग से जहाँ पे already infestation na, हो हुई हुई है तो उन ट्विक्स से जो है न्यू होस्ट प्लांट की ट्विक्स पर जो है लैक इंसेक्ट मूव कर जाएगा दिस इज द आर्टिफिशियल इनाकुलेशन इन आर्टिफिशियल इनाकुलेशन वो विल कवर द ऑल ड्राबैक्स दैट वी फेस इन द नेचुरल इनाकुलेशन के नेचुरल इनाकुलेशन में जो सारे हमें ड्राबैक्स हैं कि जो है वो लैक इंसेक्ट के लिए जो है वो प्रॉपर इन्वायरमेंट नहीं है वो प्रॉपर तरीके से इन्फेस्ट नहीं कर रहा या वो प्लांट जो है ऑलरेडी इन्फेस्टेशन बियर कर रहा है तो वो न्यू इंसेक्ट के लिए जो है प्रॉपर सैप प्रोवाइड नहीं कर सकता तो इस तरह के जो सारे ड्रा हैं उनको हम आर्टिफिशियल इनाकुलेशन में कवर करते हैं कि हम उनको एक ऐसे हेल्दी होस्ट प्लांट पे शिफ्ट करते हैं जहाँ पे वो प्रॉपरली सैप सक कर सके जित जितना प्लांट हेल्दी होगा उतना ही जो है वो लैक इंसेक्ट्स ग्रो करेंगे स्वामिंग

और वो कैविटी जो इंसेक्ट पीछे छोड़ जाता है जहाँ पे वो ऑलरेडी अटैच था वहाँ पे रेज़न फिल हो जाता है तो एग्जैक्ट टाइम ऑफ स्वामिंग जो है वो एक्सपीरियंस से ही जो है फार्मर को लर्न होती है एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम, दिस इज़ द व्यू ऑफ लैक इन्फेस्टेशन इन द प्लान्ट दिस इज़ द मेचोर स्टेज ऑफ लैक दिस इज़ द एन स्टेज इन विच यू कैन सी द दिज आर द रेजन फॉर्मेशन एक्चुअली इसमें इंसेक्ट तो आपको इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा लैक इंसेक्ट बट जो है दिज आर द रेजन फॉर्मेशन दिस इज दैक ये सारी स्टेज हैं जो आपको प्लांट इनफेस्टेशन में जो है नजर आती हैं आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ लैक रेजन हाउ वी विल हारवेस्ट द लैक There are different uh, categories of harvesting of lag immature harvesting and mature harvesting. Harvesting of lag. After the maturation of lag, when lag is ready, then we perform the harvesting of lag. There are two categories of harvesting of lag immature harvesting and mature harvesting. In immature harvesting, we harvest the lag product before swarming. जब आप लैक को ट्री से बिफोर स्वार्मिंग सेपरेट करते हैं दिस इज़ इमेचोर हार्वेस्टिंग, उसमें यह है कि ड्राबैक ये है कि एनिमल भी जो है वो साथ ही डेड हो जाएगा जब आप हार्वेस्ट करेंगे तो एनिमल के लिए जो है ये कॉस्टली है आपके इंसेक्ट जो है वो डैमेज हो जाएंगे इसमें इंसेक्ट डेड हो जाएंगे और आपको दोबारा से इन्फेस्टेशन करवानी होगी ये इसका ड्राबैक है और इसके अलावा जो है जो है प्लास होस्ट प्लांट जो है उनसे एरीलैक हारवेस्टिंग रिकमेंड की जाती है एरीलैक हारवेस्टिंग इज एक्चुअली द इमेचोर हारवेस्टिंग वैन यू रिमूव द लैक बिफोर स्वार्मिंग दिस इज द एरीलैक एन अदर कैटेगरी इज़ द मेच्योर हारवेस्टिंग इफ यू रिमूव द लैक प्रोडक्ट आफ्टर स्वार्मिंग एक्चुअली स्वार्मिंग वैन लार्वा एनिमल जो है या लार्वा जो है आपका उस स्पेस को छोड़ देता है डीटैच हो जाता है और मूव कर जाता है उसमें आपके इंसेक्ट को जो है वो डैमेज नहीं कॉज करता तो मेच्योर हार्वेस्टिंग जो है आफ्टर द स्वार्मिंग है और उसमें जो है एनिमल जो है वो किल नहीं होता और इफ़ रिमूव द लैक दैट हैज़ द फीमेल्स एगलेंग फीमेल्स दिस इज़ कॉल्ड द ब्रूड लैक वो स्टिक्स जहाँ पे एग लेंग फीमेल्स मौजूद होती हैं और उनके एग्स मौजूद होते हैं दैट इज कॉल्ड द ब्रूड लैग स्टिक आर स्टिक लैग। वी कैन हार्वेस्ट द लैक ट्वाइस ईयर आप जो है वो इसका ट्वाइस ईयर जो है लैग को हार्वेस्ट कर सकते हैं देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैक डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैक एक्चुअली वेन वी सेपरेट द लैक फ्रॉम ट्रीज तो उसकी डिफरेंट कैटेगरीज डिफरेंट स्टेजेस हैं अगर आप इन मेच्योर लैक को सेपरेट करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एरी लैक इफ वी सेपरेट द लैक एट मच्योर स्टेज दैट इंक्लूड्स द ब्रूडिंग फीमेल एग लेइंग फीमेल दैट इज़ कॉल्ड स्टिक लैक एन अदर कैटेगरी इज़ द सीड लैक दैन वी वॉश द स्टिक लैक तो जो है वॉशिंग के बाद दिस इज़ कॉल्ड द सीड लैक और जब सीड लैक को ग्राइंड किया जाता है पाउडर फॉर्म में किया जाता है तो दैट इज़ कॉल्ड द डस्ट लैक एंड एन अदर कैटेगरी इज द शेल लैक शेल लैक में क्या है कि आप डस्ट लैक के बाद जो है इसको हीट करते हैं और प्रॉपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं दैट इज़ कॉल्ड शेल लैक एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम देयर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ शेल लाइक बटन लैक स्टिक लैक शेल लैक एंड सीड लैक दीज आर द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ लैक कम्पोजिशन ऑफ लैग एक्चुअली कम्पोजिशन ऑफ लैग डिपेंड ऑन द हेल्थ ऑफ द प्लांट एंड द स्पीशी इट डिपेंड्स ऑन द होस्ट ऑफ़ द प्लान्ट आप उस पर जो इंसेक्ट इन्फेस्टेशन कर रहा है वो उसके प्रेशर को कितना बियर कर रहा है उसकी प्लांट की हेल्थ कैसी है और कितना रेजन वो वहाँ पे जो है वो सक्रीट करेगा इंसेक्ट एक्चुअली जो है वो रेजन लैक जो है वो रेजनस सेक्रीशन है डेट इज सेक्रेटेड बाय लैक इंसेक्ट तो मेल और फीमेल जो है दोनों लैक रेजन जो है वो सिक्रीट कर सकते हैं रेजन जो है वो बाद में फिर लैक बनता है तो रेजन में जो है फीमेल ज़्यादा चूँकि लॉन्ग लाइफ है उसका तो फीमेल जो है वो ज़्यादा रेजन सिक्रीट करती है रेदर दैन मेल यहाँ पे जो है लैक की कंपोजिशन में 68 एट टू नाइन्टी परसेंट जो है वो रेजन है और रेजन जो है वो फीमेल सेक्रेट करती है उसमें डाई भी हैं टू टू टेन परसेंट वैक्स है एल्ब्यूमिनस मैटर मिनरल मैटर एंड वाटर दिस इज़ द कंपोजिशन ऑफ लैक एंड रेज़न इज इन लार्ज अमाउंट देर आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ लैक इन द इंडस्ट्री देर आर डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट यूज दिस लैक इन डिफरेंट फॉर्म्स लाइक लैक शेल लैक लैक इज़ नॉट सोलेबल इन वाटर बट इट इज़ रेडली सोलबल इन अल्कोहल तो प्रॉपरली जो है ये इंसुलेशन प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिकल कनेक्शनस में इलेक्ट्रिकल कनेक्शन में यूज़ कर सकते हैं हीट करते हैं जैसा कि हमने उसकी टाइप्स में भी पढ़ा था कि हीट करने से भी जो है ये मेल्ट होता है तो हीट से ये फ्यूज़ हो जाता है अडहेसिव प्रॉपर्टीज़ देता है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ हैं अल्कलाइन जो है ये है सोलबल है वीकल क्लाइंस में लाइक like अमोनिया में और इसके अलावा जो है इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस में जो है बैड कंडक्टर ऑफ हीट है वी कैन यूज़ लैक इन लेदर इंडस्ट्री पेंट इंडस्ट्री एंड वुड ट्रीटमेंट आप इसको जो है शाइन के लिए लेदर इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है वुड में भी पॉलिश में गार्निश में और एज ए एडहेसिव भी यूज़ हो रहा है ये बाइंडिंग के लिए इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन है लेमिनेशन के लिए यूज़ हो रहा है और uh, अब्रेसिव है कि इसको जो है आप जो है वो इसको अगर आप किसी भी हार्ड सरफेस के ऊपर रब करेंगे तो उसके बाद शाइन देगा तो इसको जो है बाइंडिंग प्रॉपर्टीज़ भी हैं इंक्स वगैरह के लिए इसमें नाउ वी विल डिस्कस द यूजेस ऑफ लैक वैक्स के लैक के अलावा जो लैक वैक्स है उसको कहाँ यूज़ किया जा सकता है लैक वैक्स जो है मिक्सचर ऑफ़ हायर अल्कोहल एसिड्स और उनके एस्टर्स हैं इसके अलावा इसको शू पॉलिश में फ्लोर और ऑटोमोबाइल्स मुब, जो हैं वहीकल्स की पॉलिश में फ़ूड एंड कन्फेक्शनरी जितनी भी हमारी फूड इंडस्ट्री है वहाँ पे इसको यूज़ किया जा सकता है टैबलेट फिनिशिंग के लिए यूज़ किया जा सकता है ले लिपस्टिक के लिए और क्रायन्स क्राइन्स दीज आर द कलरफुल मार्कर्स कलरफुल पेंसिल्स ऑफ वैक्स अक्सर आपने देखा होगा कि ड्राइंग के लिए जो है वो कलरफुल पेंसिल्स यूज़ की जाती हैं जो कि वैक्स की बनी होती हैं So these are the um, important uses of lac